जय हिंद दोस्तों। फाइनली आरआरबी की तरफ से टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो एएलपी आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन और जेई के लिए है, जो आरआरपी भोपाल के वेबसाइट पे पब्लिश कर दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं एक एक करके। ये है दोस्तों टेंटेटिव एग्जाम शेड्यूल फॉर एएलपी आरपीएफ टेक्नीशियन और जेई अदर्स के लिए, जिसमें सबसे पहले एएलपी का एग्जाम होगा जो 25/11 से 29/11 के बीच में चलेगा। मात्र 5 दिन में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जा रहा है, जो अभी तक एएलपी का सबसे फास्ट आरआरबी का प्रोसेस है। और उसके बाद में होगा आरपीएफ एसआई, जो 2/12 से 15/12 के बीच में चलेगा। मात्र 4 दिन में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा यहाँ अभी। उसके बाद में टेक्नीशियन का एग्जाम होगा जो 16/12 से 26/12, मात्र 11 दिन आपका एग्जाम चलेगा। उसके बाद में सबसे लास्ट में होगा जेई और अदर्स का एग्जाम, जो 6/12 से चालू होकर 13/12 तक, यानी टोटल 8 दिन में आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। ये अभी तक सबसे फास्ट प्रोसेस है। इसके बाद में आपका आएगा एनटीपीसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम। तो आप सभी बहुत अच्छे से लग जाइए, आप मात्र 2 महीना ही आपको डेढ़ दो महीने नहीं डेढ़ महीना ही बाकी है। तो ये यही 1.5 महीना में आप लोग जितने मेहनत कीजिएगा उतने आप आगे तक जाइएगा। उसके बाद में नोटिस में आगे की बात करें तो ये है, आप 10 दिन पहले आप अपना एग्जाम सिटी और डेट दे सकते हैं। उसके बाद में SC ST वाले अपना ट्रेवल पास 10 दिन पहले आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद में डाउनलोडिंग ही 4 डे, इकॉल लेटर यानी एडमिट कार्ड आप 4 डे पहले डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहा नोटिस आपका, और आप लोग अच्छे से आप तैयारी में लग जाइए। इसके जस्ट बाद यानी 13/12 आप जनवरी में NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का एग्ज़ाम देख सकते हैं। इसीलिए आप थोड़ा भी टाइम नहीं है, आप मात्र 1.5 महीना में आप जितना पढ़िएगा उतने आपको फ़ायदा होगा। इस बीच में आप ज़्यादा से ज़्यादा सेट बनाइए, सबसे अच्छा जो पिछले से पढ़े हुए हैं उसका रिविज़न कीजिए, तो आप अच्छा से एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।